बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। द इंडियन एक्सप्रेस की जो सुर्खियां हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो पहली फ्रंट पेज पे जो खबर छपी है, पोल बॉन्ड्स सेलेक्टिवली एनोनिमस, रूलिंग पार्टी कैन आइडेंटिफाई डोनर्स, अपोजिशन कैन नॉट, SC। ये सुर्खी है कि ज्ञात हो कि 2018 के चुनावी बॉन्ड योजना को उच्चतम जो अदालत है जो है उसमें चुनौती दी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस में प्रथम पृष्ठ पर जो सुर्खियां हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं कि बॉन्ड सेलेक्टिवली एनोनिमस, रूलिंग पार्टी कैन आइडेंटिफाई डोनर्स, अपोजिशन कैन नॉट, ये SC का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड जो है वो चुनिंदा रूप से गुमनामी है। सत्तारूढ़ दल जो है वो दाता की पहचान कर सकता है जबकि विपक्ष ऐसा नहीं कर सकता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि ये आवरण जो है वो न्यायिक निर्देश के अनुसार उठाया जा सकता है। मालूम हो कि इस मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड के नेतृत्व में 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ बनी है उस पर लंबी बहस चल रही है। जॉर्डन के राजदूत ने कहा कि भविष्य की भूमिका के लिए भारत बीच में खड़ा है। ये संदर्भ है संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में इसराइल हमास के बीच चल रहे विवाद को मानवीय आधार पर तुरंत रोकने के लिए तैयार की गई युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत ने परहेज किया। ये बात दिल्ली में जॉर्डन के राजदूत मोहम्मद EL कैयद ने कही। शिकायतकर्ता के साथ पहले मुझे जिरह करने दो, महुआ मोइत्रा। मालूम हो कि आपको पता है कि महुआ मोइत्रा पर एक आरोप लगा हुआ है कि वो पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछा। लोकसभा की एथिक कमेटी जो कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछे जाने के आरोप की जांच कर रही है के सामने पेश होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने कमेटी के चेयरपर्सन विनोद कुमार सोंकर को कहा कि अब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, यानी महुआ मोइत्रा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वे बिजनेसमैन दर्शन हिरणदानी और अधिवक्ता जय अनंत देहाद्री से खुद जिरह करना चाहती हैं, ये उनका अधिकार है। मंगलवार को गाजा में जबेलिया के शरणार्थियों के कैंप पर हुए इजरायली हमले में जहां 1 और 7 बंधक मारे गए, वहीं हमास का एक कमांडर भी मारा गया। इस इजरायली हमले के दौरान विदेशी पासपोर्ट होल्डर्स भी घायल हुए हैं। मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा कि सब्र रखें, सुरक्षा से हम सब पार कर लेंगे। तो दर्शकों, इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।